बालाकोट में एयर स्ट्राइक के बाद से मोदी सरकार दुश्मन देश से सटे सीमाओं की सुरक्षा पुख्ता करने में जुटी है। पाकिस्तान के साथ साथ मोदी सरकार अब चीन को भी सबक सिखाने की तैयारी में जुट गई है। 8 अक्टूबर को यानी विजयादशमी के दिन भारत को दुनिया का सबसे घातक फाइटर प्लेन राफेल मिल रहा है। जाहिर है इससे भारत की सैन्य शक्ति काफी ताकतवर हो जाएगी। मोदी सरकार ने इस घातक फाइटर जेट को पूर्वोत्तर राज्यों में चीन से सटे सीमाओं पर तैनात करने का फैसला लिया है, ताकि किसी भी परिस्थिति में दुश्मन देशों से लोहा लेने में देश की सेनाओं को कोई बाधा ना हो सके। इन इलाकों में विमानों के उतरने के लिए 8 लैंडिंग ग्राउंड भी तैयार किए गए हैं। हाल ही में डोकलाम गतिरोध में मोदी सरकार ने न्यू इंडिया के तेवर से चीन को अवगत करा दिया था। चीन के नापाक चाल का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया था और आखिरकार चीन को वहां से अपने पांव पीछे खींचने पड़े थे। वहीं राफेल के भारत आने से भारत की सैन्य शक्ति काफी बढ़ जाएगी। फ्रांस से भारत को कुल 36 राफेल एयरक्राफ्ट मिलने वाला है। राफेल की खासियत है कि ये कई तरह के रोल निभाने में सक्षम है। ये हवा से हवा में वार करता है तो हवा से जमीन पर भी आक्रमण कर सकता है। इसमें परमाणु बम गिराने की भी ताकत है। राफेल विमान बस एक मिनट में दोनों तरफ से 30 mm की तोप से 2500 राउंड गोली दागे जा सकते हैं। इसमें एक सिस्टम ये भी है कि ये दुश्मन के क्षेत्रों में लड़ाई कर वापस लौटने में भी मदद करता है। ये इतना फ्लेक्सिबल है कि कम से कम और अधिक से अधिक ऊंचाई में भी बेहतर एक्शन लेने में सक्षम है।